नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज जो मैं चला रहा हूँ, तो इससे पहले ऑलरेडी 11 जो है वीडियो अपलोडेड है। दिस इज़ द 12th सेशन जहाँ पे मैं आपके जो भी क्वेरीज है वो मैं आपको करता हूँ। तो इसके बाद 13th सेशन का भी मैं लिंक दे देता हूँ। आपको करना क्या है, मेरे चैनल में आना है। आप देखोगे ऐसे होम वीडियोस प्लेलिस्ट होता है, ये कम्युनिटी टैब में जो है आपको मिल जाएगा इसका। यहाँ पे आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जो है जाके आप मुझे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो मैं इसका फिर जो भी आपकी क्वेरीज है मैं फिर इसका वीडियो बना देता हूँ। तो अराउंड देखो 25 क्वेश्चंस जो है आज अटेंड करते हैं। तो सबसे पहले देखो देख लेते हैं किनका है। तो राजेंद्र जी का है, HRA या क्वार्टर दोनों में से कोई एक ही मिलता है, या दोनों नहीं एक ही मिलता है। अगर आप जो है क्वार्टर ले लोगे तो आपको HRA नहीं मिलेगा, आप अगर HRA ले लोगे तो आपको जो है अलग से कहीं जाके घर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों एक साथ नहीं मिलता है। तौशिफ जी का कहना सर दिल्ली इनकम टैक्स में ज्वाइनिंग दिवाली से पहले होने की पॉसिबिलिटी। हाँ यार दिल्ली हो जाएगा, देखो सभी जगह पे बहुत देखो उससे पहले ही आ जाना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा इतना टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज नहीं यार, ऑफिस टू ऑफिस भी वैरी करता है। कुछ ऑफिसेज में अभी तो आप देखो CAG के में अगर बात करूँ, जो भी कैग में जिनको मिला है कैलकाटा में, तो जो सैलरी भी उठा रहे हैं, और कहीं दूसरे जगह में जो है अभी तक उनका लेटर आना ही स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिपेंड करता है, हो जाएगा लेकिन डेफिनेटली आपका जल्दी ही हो जाएगा। वरुण जी का कहना सर MTS का ज्वाइनिंग और अटेस्टेशन फॉर्म एक ही साथ आएगा या सब डिपार्टमेंट का? एक ही साथ नहीं आता है। पहले देखो होता क्या है, दो तरह के चीज़ें हो रही है अभी। एक तो पहला आपको जो है कुछ डिपार्टमेंट्स पहले लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज रही है, उसमें से उसके साथ ही एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया जा रहा है, आपको भर के भेजना होगा, फिर जो है आपका आएगा क्या ज्वाइनिंग लेटर। कुछ डिपार्टमेंट डायरेक्टली आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज रही है, उसके साथ अटेस्टेशन फॉर्म बोला जा रहा है, आप इसको भर के डॉक्यूमेंट्स के साथ मेडिकल करवा के आप आ जाओ ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लो कौन से क्या डिपार्टमेंट कर रहा है। अमित जी का कहना सर MTS आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की ज्वाइनिंग के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ हमें बताइए, एड्रेस को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं। आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता है तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। अमित जी, मंटू जी का कहना है थैंक्स सर फॉर हेल्पिंग, ओके वेलकम सर, आई बिन सिलेक्टेड इन SSC MTS, शुड आई प्रिपेयर फॉर SSC GD और नॉट? देखो GD के लिए प्रिपेयर करोगे तो बाद में अगर GD मिलता है तो आपको बाद में जो है पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरा अगर कहना है, अगर आप बी गेम करो बेटर है, CGL करो, CHSL भी कर सकते हो एटलीस्ट, लेकिन GDA करके वहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको जो है पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, तो वो सोच लो, बाकी आप देख सकते हो, ठीक है। ओके सेम क्वेश्चन है, चलो। मिथिलेश का कहना है सर अटेस्टेशन फॉर्म में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आफ्टर 15th ईयर मैंने 15 साल में पास कर लिया, तो मुझे 10+2 एंड ग्रेजुएशन का देना, या 10th का दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वहाँ पे 15 का कर सकता है, बेसिकली क्या होता है हम लोग का मेजर जो एग्ज़ाम होता है 10th से स्टार्ट होता है, तो 10, 12 एंड ग्रेजुएशन आप दे दो, ठीक है। गौरव जी का कहना सर IMD साइंटिफिक असिस्टेंट की रिजल्ट डेट और फाइनल ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, और जिसको स्टेट एलोकेट हो चुका है और रैंक विद इन है तो वो अपना सिलेक्शन पक्का समझे क्या? देखो हाँ समझ लो अच्छे से, मैं बता रहा हूँ इसका जो रिजल्ट आने की चांसेस है, मेजर हाई चांसेस है अगस्त में आपका अगर रिजल्ट आ जाता है तो मोस्टली आप देख लो, क्योंकि वेरिफिकेशन एंड ऑल दोस थिंग कुछ अलॉटमेंट नहीं होगा, स्टेट भी एलोकेट कर दिया गया है, तो मेरा जितना लगता है हार्डली 1.5 से 2 महीना तक जो है आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ज्वाइनिंग हो जाएगी। और रिगार्डिंग देखो 1102 अगर उससे कम है तो हाई चांसेस हो जाएगा। हाँ अभी देखो क्योंकि उन्होंने देखा गया है कुछ जनरल SC ST OBC अलग अलग लिया है, तो उसके बाद जिनका उसके बाद जैसे जो वैकेंसीज था उसके बाद उनको जो है रिजर्व लिस्ट में रखा गया, मतलब जिनका स्टेट एलोकेशन हो रहा है, तो मैक्सिमम चांस है, अगर ऐसा कुछ नहीं हो चांसेस है तो जो है इसमें आपकी पक्का आप समझ सकते हो, जितना मुझे लग रहा है एज़ पर माई ओपिनियन, क्योंकि नहीं तो वो फिर जो एलोकेशन क्यों करेंगे स्टेट, ठीक है, क्योंकि क्लैरिफाई नहीं हो रहा, थोड़ा सा वेट कर दो अगस्त तक, लेकिन मुझे लग रहा है जो है आपका पक्का होना चाहिए, जो भी 1102 से जो इनका नीचे रैंक है पक्का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो जो फाइनल लिस्ट निकलेगा वो तो आपका रैंक वाइज ही निकलेगा ना, तो ऑब्वियसली उसके नीचे जो भी है उनका सिलेक्शन पक्का होना चाहिए, अगर उनको कुछ ऐसा कुछ अलग प्रॉब्लम ना हो तो। देखो प्रोसीड्यूर फॉर सीकिंग एक्सटेंशन, ऋषभ का कहना है देखो एक्सटेंशन लेने का क्या है, मैं बता रहा हूँ जब आपका ज्वाइनिंग आएगा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं, जब आपको ज्वाइन करने के लिए बोला जाएगा भैया आप जो है इस तारीख तक ज्वाइन करना है,
या विद इन 30 डेज ज्वाइन करना है, जब वो लेटर आएगा उसी लेटर को क्या करोगे आप, उसी लेटर को रेफरेंस देखे, ठीक है, आप रेफरेंस दोगे, आप जैसे लिखोगे टू द कोई भी डायरेक्टर है, डायरेक्टर लिख के सब्जेक्ट लिखोगे एक्सटेंशन, उसके बाद सर लिख के आप बोलोगे और रेफरेंस दे दोगे, किसका ज्वाइनिंग लेटर का रेफरेंस दे दोगे और बोलोगे सर मुझे इसमें ज्वाइन करने के लिए गया, मेरा ये सिलेक्शन हुआ है, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ है लेकिन मेरा कुछ कारणवश, कुछ स्पेसिफिक दे देना, जैसे कुछ इलनेस आपका शरीर, कुछ भी, मतलब जो ठोस लगे, ऐसा नहीं जो मुझे घूमने जाना है या मुझे कहीं और कुछ करना है, मुझे जो एग्ज़ाम देना है वो सब नहीं करना, लेकिन फिर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, थोड़ा सा जो है मेडिकल रिलेटेड कुछ देने से आपको ईजिली मिल सकता है, ठीक है, और बस आप उस लेटर को फॉरवर्ड कर दो ज्वाइनिंग से पहले, आपको एक्सटेंशन देखो मिल जाएगा। और ये भी मैं बता देता हूँ, एक्सटेंशन भी जो है डिपेंड करता है डिपार्टमेंट, अगर वो चाहे आपको एक्सटेंशन नहीं भी दे सकते हैं, ऐसा कहीं रूल नहीं है आपको एक्सटेंशन करना है, लेकिन यूजुअली दे देते हैं 2 महीना 3 महीना तो दे ही देते हैं, उससे ज़्यादा देने में दिक्कत हो सकता है। आदित्य ठीक है, इनकम टैक्स देखो कहीं पे भी आप देखो, कोई भी रीजन हो एमपी अच्छा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज अ होल आप देखोगे प्रॉस्पेक्टस है प्रमोशन का, आप जो है इसके बाद टैक्स असिस्टेंट बन सकते हो, टैक्स असिस्टेंट में सिर्फ आपको टाइपिंग क्लियर करनी होती है, टैक्स असिस्टेंट के बाद आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट 3-4 साल बच जाओगे, मतलब 4200 ग्रेड पे हो जाएगा, फिर वहाँ से जो है आपको इंस्पेक्टर एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो इंस्पेक्टर बन सकते हो, फिर इंस्पेक्टर से आप जो है आईटीओ बन सकते हो, आईटीओ का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, आईटीओ से जो है आप असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर तक जा सकते हो अगर आपका भले एज कम हो तो। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, पंकज जी का कहना है सर इनकम टैक्स अहमदाबाद का एमटीएस में एलओए स्टेटस के बारे में इन्फॉर्मेशन है क्या, कितने टाइम और लग सकता है? देखो मुझे लगता है एलओए सभी ऑलमोस्ट अगस्त तक सभी के पास आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर जाओ, अगस्त तक सभी का आ जाएगा, ऐसे मेरे पास अभी कुछ है नहीं इन्फॉर्मेशन लेकिन सभी का आ जाएगा। सर ऐसा एमटीएस अगर डिपार्टमेंट वाले पीसीडीए मुझे क्लियर या ऑडिटर का एग्ज़ाम देते हैं तो ये मेरे लिए सही होगा या नहीं, मैं उन्हें क्यों बोलूँ कि मुझे फाइल वाला काम चाहिए या नहीं? नहीं देखो आप देखो आपको क्या काम देते हैं यार, अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप जो है हल्का फुल्का काम ले लो, ये तो आप के और आपके डिपार्टमेंट के ऊपर जो है हेमंत जो है डिपेंड करता है, तो आप देख लो ना, अगर आपको लगे जो आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप ज़्यादा वो सब काम मत लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है एंड उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या आप कितना अच्छा जो है उनके साथ रिलेशन मेंटेन कर पाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन से बहुत कुछ हो जाता है। रौनित जी का कहना है सर क्या प्रोफेशन प्योर में कोई एग्ज़ाम देने का लीव मिलेगा? हाँ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर डिपार्टमेंट स्पेसिफिक नहीं कर दे, जैसे कुछ डिपार्टमेंट को देखा गया है उन्होंने जैसे एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया है, जैसे सेंट्रल स्टोर्स डिपार्टमेंट है और एक है, उन्होंने बोल दे रहे हैं ज्वाइनिंग में लेटर में लिख दे रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली आपको मिल जाता है। क्या वैकेंसी कम होने के कारण गवर्नमेंट जानबूझ के कि सारी एग्जाम एंड प्रोसेस लेट? नहीं वैकेंसी कहाँ कम है, मुझे नहीं समझ में सौम्य आप कौन सा वैकेंसीज़ की बात करो, अगर आप वैकेंसीज़ देखो तो बहुत बहुत वैकेंसीज़ हैं, आपको मैं बार बार फ्रॉम द बिगिनिंग आपको समझाना चाहता हूँ, देखो 2019 तक सभी गवर्नमेंट ऑफिसेस में रिटायरमेंट है, ठीक है, तो 19 तक तो वैकेंसीज रहेंगे, आप देखोगे 2010 से वैकेंसीज आना स्टार्ट हुआ है, लगातार हजारों हजारों वैकेंसीज निकल रहे हैं, अब देखो टोटल तो 50 लाख का ही एम्प्लॉई है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, अब जो रिटायर कर रहे हैं उनका वैकेंसीज फिलअप हो रहा है, और क्या होता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए बहुत सारे वैकेंसीज पोस्ट एबोलिश हो जा रहे हैं, क्यों हो रहे हैं मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे पहले हम लोग का कैश में सैलरी होता था तो कैशियर अराउंड मेरे ऑफिस में 10-12 कैशियर्स थे, कैशियर्स के पोस्ट थे, अब जो है इसको ऑनलाइन कर दिया गया तो वो 10-12 पोस्ट तो बेकार हो चुका है ना, तो उसी लिए वैकेंसीज कम के लिए एग्ज़ाम प्रोसेस नहीं है, लेकिन हाँ ये एग्ज़ाम आप देख सकते हो रेलवे इतना बड़ा एग्ज़ाम करा रही है, उसके बाद एसएससी, तो क्योंकि अभी बहुत सारे इश्यूज है एसएससी के लिए, फिर से रीटेंडर एंड ऑल दोज थिंग्स, उसीलिए थोड़ा लेट हो रहा है, वैकेंसीज के कारण कुछ नहीं हो रहा मुझे जितना लगता है। सर ये एजी पटना वाले कॉल लेटर करने पर लेटर भेजने का डेट बता देते हैं, अभी तक मैं 4 टाइम्स कॉल कर चुका हूँ, हर बार 15 दिन एक्सटेंड कर रहे हैं, व्हाट टू डू? कुछ नहीं कर सकते यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो ये उनका आप 10 बार फ़ोन करो, 100 बार पढ़ो या 1000 बार करो, कुछ नहीं होगा, वो अपने गति से ही चलेंगे, उनको जब भेजना होगा वो डेफिनेटली भेजेंगे, थोड़ा सा सब्र रखो, बेस्ट है आप अपना प्रिपरेशन करो, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आप चाहे से भी कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा उनको टाइम दे दो, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है बहुत डिपार्टमेंट में,
बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कहीं पे ये लीव में चला गया, कहीं पे वो छुट्टी में चला गया, तो ये दिस अदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आ जाएगा विकास, थोड़ा सा वेट कर लो। शत्रुभा घोष का बहना है दादा टायर 3 रिजल्ट के, देखो हाँ टायर 3 का रिजल्ट जो है अलग से आएगा, फाइनल लिस्ट नहीं होता है। टायर 3 का मतलब जब आप डिस्क्रिप्टिव दे देते हो उसके बाद एक लिस्ट आता है जो है किसके लिए, जो भी जिनको जैसे टैक्स असिस्टेंट का है, CPT देना है, उसके बाद आपका जो भी है एग्ज़ाम्स जिनके रिलेटेड है उनका जो एक रिजल्ट आएगा, एक कट ऑफ आएगा, उसके बाद ये सब हो जाने के बाद फाइनल रिजल्ट आता है। तो एक ही साथ JSO का भी देखो फाइनल रिस बाद में एकदम फाइनल जो होगा, ये सब हो जाने के बाद टैक्स असिस्टेंट का जो भी है वो हो जाने के बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो, एंड टैक्स असिस्टेंट का टाइपिंग होने के बाद जो है फाइनल लिस्ट आता है। लेकिन अभी फाइनल लिस्ट आने में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि आप देख ही रहे हो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, जब तक केस सॉल्व नहीं होता तब तक SSC जो है फाइनल रिजल्ट नहीं निकाल सकते। हाउ टू गेट NOC फ्रॉम द डिपार्टमेंट, ऋषभ NOC लेने का क्या है, जब जैसे आपने ज्वाइन किया, आप पहले अगर ज्वाइन करने से पहले कोई भी एग्ज़ाम देके रखे हो आप इमीडिएटली इंटीमेट कर दो डिपार्टमेंट को, जे सर मैंने ये एग्ज़ाम देके रखा है, जब मेरा वेरिफिकेशन होगा या फिर से कोई एग्ज़ाम होगा तो मुझे जो है NOC चाहिए, और जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं जो है टेक्निकल रेजिग्नेशन दे दूंगा, ऐसे करके एक लिख दो, ठीक है। ओम प्रकाश जी का कहना सर मेरा सिलेक्शन DGCA दिल्ली में हुआ है सर, ज्वाइनिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है प्लीज़ कुछ। देखो अभी तक ज्वाइनिंग का कुछ आ जाएगा तो देखो दिल्ली में जो भी सिलेक्शन है उसका सबका आ रहा है, थोड़ा सा वेट करो, सभी का आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ओम प्रकाश जी थोड़ा सा वेट करो, अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक होता डेफिनेटली मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप तो जो है MTS का ग्रुप भी है वो ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि सभी वहाँ पे कुछ भी डिटेल्स आते हैं तो वो शेयर करते रहते हैं, ठीक है। सर CHS डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में मॉर्निंग इवनिंग वाले कॉलम में मॉर्निंग की जगह इवनिंग वाली जगह पर थंब इंप्रेशन एंड सिग्नेचर हो गई है, ओके ठीक है, मतलब ये देखो उनका ही गलती है लेकिन इसमें होना नहीं चाहिए आपका। देखो बाकी थंब इंप्रेशन, बाकी तो आपने सिग्नेचर वो सब ज़रूर किया होगा, तो मुझे उतना नहीं होगा, वो डेफिनेटली इसको कुछ रेक्टिफाई कर देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। हाँ सर MT ज्वाइन करने के पर क्या हमें CHS टाइपिंग टेस्ट के लिए लीव मिल जाएगी एंड सिलेक्शन होने पर CHS ज्वाइन कर, हाँ लीव मिल जाएगी। अगर मैंने बार बार कहा कुछ डिपार्टमेंट स्पेसिफिक वहाँ पे बॉन्ड जैसे कर रहे हैं जहाँ पे आप उस डिपार्टमेंट को छोड़ के नहीं जा सकते हो, ठीक है, अगर वैसा केस नहीं है तो आराम से आपको लीव भी मिल जाएगी, आप ज्वाइन भी कर सकते हो। हंस रेज का फिर कहना सर MTS में LOA आने पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे, क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी बनने, अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत बनाओ, LOA आने दो, उसके बाद वहाँ पे ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहता है उसी में बनाना, और डॉक्यूमेंट जैसे जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपकी अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है, सभी आप जो है उस टाइम देना पड़ेगा, अभी कुछ मत करो, आने दो पहले। राज का कहना है सर मेरे रेगुलर ग्रेजुएशन के 2 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब ज्वाइनिंग आएगी तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो एक बार 1 ईयर का एक्सटेंशन तो देंगे नहीं, क्या ज्वाइनिंग के बाद सिर्फ 3rd ईयर का, नहीं 3rd ईयर का नहीं होगा, आपको फिर से जो है फिर से आपको ओपन से करना पड़ेगा, 2 साल आपका बर्बाद हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, और 1 साल का तो एक्सटेंशन देगा नहीं। और हाँ ये हो सकता है आप जाके ज्वाइन करो, आप भी नहीं छोड़ो, वहाँ पे जाके आप परमिशन ले लो डिपार्टमेंट को, बोलो जो मेरा 2nd ईयर चल रहा है, 3rd ईयर है, परमिशन अगर दे देगा तो फिर आप कर सकते हो। हाँ भले आपको अटेंडेंस आप नहीं दे पाओगे, ऑफिस से छुट्टी लेके नहीं करोगे, फिर आपको थोड़ा अपना कॉलेज से एंड जो है डिपार्टमेंट से अगर कुछ हो सके वो लोग अलाउ कर दें नाइट कॉलेज या अटेंडेंस नहीं दे के, तब जो है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो सकती है, वो आप ज्वाइन करो, उसके बाद ही ये सब डिटेल्स जो है क्या वो लोग करने दे रहे हैं, फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी से बात करना, ये सब हो जाएगा। प्रधान का कह रहे सर सर इज़ आई साइड इज़ वीक एनी प्रॉब्लम, नहीं कुछ नहीं, आई साइड का प्रॉब्लम कुछ उतना होता नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रशांत त्रिपाठी सर मेरा 2 क्वेश्चन है प्लीज़ रिप्लाई, अच्छा चलो सर मैंने कॉस्मोन एड्रेस में विलेज का एड्रेस दिया है बट 2 ईयर्स से अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में रेंट पे रहता हूँ, तो क्या एडिस्ट्रेशन फॉर्म में इस एड्रेस को भी मेंशन करना होगा, दो सर मेरा पापा दूसरे डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में प्राइवेट एम्प्लॉई है, तो क्या ये भी हाँ देखो पापा क्या कर रहे हैं वो भी मेंशन करना पड़ेगा, विलेज का एड्रेस दिया है बट 2 सर से अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में रेंट, ठीक है भैया, तो आप ये करस्पॉन्डेंस विलेज का क्यों दे दिया फिर कोई एडिशनल फॉर्म में इस एड्रेस को भी मेंशन, देखो ऑब्वियसली एडिस्ट्रेशन फॉर्म में आप एक परमानेंट एड्रेस कर दो, एक कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस कर दो, जहाँ आपका विलेज घर है, जहाँ पे रेंट रहते हो उसको कॉरस्पॉन्डेंस बना दो, और जहाँ पे आपका विलेज है उसको परमानेंट एड्रेस बना दो, बस प्रॉब्लम हो जाएगा।
दीपक कुमार का सर इस पर ओके, मैंने ग्रेजुएशन के लिए है बट मैं मुझे अभी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिला है, ओरिजिनल मिलने में 6 महीने लग जाएंगे, तो एमटी जॉइनिंग में प्रोफेशनल, हाँ प्रोफेशनल दे सकते हो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रोफेशनल से ही जो है आपकी हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं गाइज। तो चलो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर शेयर करना गाइज, जितने हो क्वेश्चन सभी आप पूछ सकते हो कम्युनिटी टैब में, और देखो सभी क्वेरीज़ मैं आपको बैठे आराम से जो है शॉर्ट आउट करके बता दूंगा। तो चलो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना, तो आई थिंक सभी का जो है मैंने क्वेश्चन ले लिया है, तो चलो थैंक यू, बाय बाय।